नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है म्यूनसिपैलिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में फाइनेंसिस और म्यूनसिपैलिटी को मैंने पिछली वीडियो में एंड किया था और यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो कि स्टेट में बनाया जाता है म्यूनसिपैलिटी के लिए वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे तो फाइनेंस कमीशन स्टेट का म्यूनिस्पैलिटीज़ के अकाउंट्स को ऑडिट कैसे होता है यूनियन टेरिटरीज में सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट का एप्लीकेशन कैसे होगा सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट देश में कौन कौन से इलाकों में नहीं रहता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कैसे काम करती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी इंडिया में कैसे काम करती हैं सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब म्युनसिपैलिटीज को लाने के लिए सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट लागू किया गया था तो पहले की म्यूनसिपैलिटी का क्या हुआ और म्युनसिपैलिटी से रिलेटेड जो भी इलेक्शन हैं उनमें कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा और ट्वेल्थ शेड्यूल में क्या क्या अट्ठारह फंक्शनल आइटम्स आते हैं म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन से ये वाले जो पॉइंट्स जो स्लाइड्स में भी आपको आगे बढ़ा के दिखा रहा हूं इनको मैं पहले की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो यहां पे शुरुआत होगा फ्रॉम फाइनेंस कमीशन देखिए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है स्टेट्स में वो पंचायत्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन को भी रिव्यू करता है तो भैया 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हर पांच साल पे एक फाइनेंस कमीशन स्टेट में अपॉइंट किया जाएगा जो कि पंचायत की फाइनेंस पे भी अपने रिकमेंडेशन देगा म्यूनिपैलिटीज के फाइनेंस पे भी अपने रिकमेंडेशन देगा और ये फाइनेंस कमीशन बेसिकली कौन से प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता है ये रिकमेंडेशन देता है कि भैया स्टेट के पास जो भी पैसा आ रहा है स्टेट वो पैसा म्यूनिसपैलिटीज के बीच में किस तरीके से बांटेगी उसके बाद वो टैक्सेस वो ड्यूटीज वो टॉल्स वो, वो फीस जो कि म्यूनिपैलिटी को असाइन की जाती है यानी कि कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की ताकत म्यूनसिपैलिटी के पास है यह भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है अपनी रिपोर्ट में और स्टेट के पास जो टोटल पैसा आ रहा है स्टेट के खुद के रेवेन्यू से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू से उसमें से कितना पैसा जरूरत के हिसाब से म्युनसिपैलिटी को दिया जाए इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से म्युनिसपालिटी को क्या ग्रांट एड मिलेंगे ये भी कौन बताएगा फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा तो, की बात करें, तो भाई वो वसूल सकती है। लोगों की जो वर्किंग है उनकी तनख्वाह से कुछ पैसा काटके पच्चीस सौ सालाना होता है उसके अलावा अगर आप बात करो तो भैया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है

काम करने के लिए काम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप कुछ रिकमेंडेशन दीजिए तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा उस रिकमेंडेशन के ऊपर क्या एक्शन लिया सरकार ने राज्य की सरकार ने मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय चीफ मिनिस्टर ने तो क्या रिकमेंडेशन दी फाइनेंस कमीशन ने उसके ऊपर क्या-क्या एक्शंस लिए गए और एक पूरा एक्सप्लेनेशन चार्ट जो गवर्नर है

स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को आप कैसे ऑगमेंट कर सकते हो ताकि उस फंड से ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल के इन को दिया जा सके इसके ऊपर भी राय देगा सेंट्रल सेंट्रल फाइनेंस 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 कमीशन 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 यानी स्टेट को राय में में ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टेप्स को एडवाइस करेगा जो कि स्टेट की सरकार ले सकती है अपने कंसोलिडेटेड फंड को इस प्रकार से बढ़ाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा म्यूनिसपाली को दिया जा सके फिर बात करते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट की

स्टेट भी बोल सकता है कि हम किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हैं किसी प्राइवेट बॉडी को अपॉइंट कर रहे हैं किसके पास है क्या सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट यूनियन टेरिटरीज को अप्लीकेबल है देखिए भाई यूनियन टेरिटरीज को अप्लीकेबल है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट लेकिन चूंकि यूनियन टेरिटरीज में राज्य की सरकारें नहीं होती वो प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होता है तो एक यूनियन टेरिटरी में किस हद तक सेवेंटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन टू लागू करेगा यह डिस प्रेजिडेंट तो अमेंडमेंट एक्ट नाइन टू पूरी कोर तरीके से यूनियन टेरेट्री लागू होगा या फिर वो सेवनटी फोर्थ अमेडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजन लागू होंगे कुछ लागू नहीं होंगे इन सब चीजों को डिसाइड करने की ताकत तो इसके पास है प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट के पास है क्या मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड प्राइम मिनिस्टर इनके पास नेक्स्ट बात करते हैं एग्जेम एरिया यानी वो इलाके एप्लीकेबल नहीं होगा भाई ये शेड्यूल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा और ये ट्राइबल एप्लीकेबल नहीं होगा अब आप बोलोगे शेड्यूल्ड कई बार आपको बता चुका हूं दो हजार उन्नीस तक दस शेड्यूल्ड एरियाज थे अभी भी दस शेड्यूल्ड एरिया मतलब शेड्यूल्ड एरियाज दस स्टेट में है इंडिया में वो दस एरिया कौन वो दस स्टेट कौन कौन से है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना झारखंड छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान ये दस ऐसे स्टेट्स हैं एज ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं और एज ऑफ 2019-20 अगर आप देखो तो टेन ट्राइबल एरियाज हैं जो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं चार स्टेट्स में आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये छठे शेड्यूल वाले हैं तो पंचवें शेड्यूल वाले दस स्टेट्स देख लिए और छठे शेड्यूल वाले ये चार स्टेट्स आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनमें टोटल दस ट्राइबल एरियाज हैं जो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कि आसाम में तीन है मेघालय में तीन है त्रिपुरा में एक है मिजोरम में तीन है तो भैया इन शेड्यूल्ड एरियाज में और इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी उसके आगे बात की जाए तो भैया वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है तो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वेस्ट बंगाल में जहां जहां पे भी इसका ज्यूरिडिशन है

एक्ट को लागू करोगे यानी सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू को लागू करोगे तो होगा ये कि कुछ हो सकता है प्रोविजन को काट छाट के लागू किया जाए उस पर्टिकुलर एरिया की कल्चरल और आप कह सकते हो कि रिलीजनल या किसी भी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए तो भैया यूनियन टेरिटरीज में यूनियन टेरिटरी नहीं यहाँ पे एक्टेड एरियाज की बात हो रही है बस वही कर सकता को। नहीं कर सकता मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता लेकिन अगर पार्लियामेंट एज अर होल ये बोले कि इन शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में

फिर आगे यहां पे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की भाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कर लेते हैं यहां पे ये यह है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर स्टेट में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट चौहत्तरवा संशोधन उन्नीस सौ बानवे क्या बोलता है कि हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट जिले के लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करेगी कंसोलिडेट करेगी प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है कि पंचायत के तीन लेवल हैं और सबसे ऊपर लेवल पे क्या काम करता है जिला परिषद उसी प्रकार से म्युनसिपैलिटीज़ के भी तीन लेवल हैं तो जो म्युनसिपैलिटी है एक डिस्ट्रिक्ट में और जो पंचायत हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अभी एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है बहुत सी पंचायत आएँ हो सकता है डिस्ट्रिक्ट अगर बड़ी हो छोटी हो तो हो सकता है एक ही हो बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है दो तीन म्यूनिपलिटी आ जाए तो जितनी भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है एक डिस्ट्रिक्ट में वो जो भी प्लान बनाएगी उन प्लान को कंसोलिडेट करने का काम किसका होगा का. डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन है वो कौन बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन बैठेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको किस प्रकार से चुना जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा तो भाई स्टेट लेजिस्टर डिसाइड करेगा ऑफ सच कमिटीज इन रिलेशन कमिटी टू का काम क्या है ये स्टेट डिसाइड करेगा। और इन कमिटीज के चेयरपर्सन को कैसे इलेक्ट किया जाएगा ये भी स्टेट लेजिस्टर डिसाइड करेगा उसके बाद चौहत्तरवा संशोधन उन्नीस सौ बानवे और बात बोलता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इलेक्टेड बाई इलेक्टेड में डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लानिंग को इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा और म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्टेड में द्वारा वो पंचायत वो जिला परिषद वो म्यूनिपैलिटीजिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स अपने अंदर से अस्सी परसेंट ऑफ द मेंबर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के उनको इलेक्ट करेंगे ठीक है भाई और एक यहां पे बहुत नेचुरल सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं म्यूनिपैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं तो प्रपोर्शन क्या होगा तो प्रपोर्शन उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का प्रपोर्शन डिस्ट्रिक्ट में तो उस डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन होगा उसी प्रपोर्शन में पंचायत इज टू आपकी म्युनिसिपैलिटीज के जो मेंबर्स हैं वो अलेक्ट होकर आएंगे ठीक है भाई इस कमिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो जो भी डेवलपमेंटल प्लान है इस कमिटी का, उस का, वो स्टेट को करेगा। तो फाइनली चेयरपर्सन बनाया जाएगा इस कमिटी का। कमिटी सारे प्लान को कंसोलिडेट करके फाइनल प्लान बनाएगा उस फाइनल प्लान को चेयरपर्सन किसके पास भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट पास भेजेगा फिर स्टेट गवर्नमेंट देखेगी भाई उस पर क्या काम लेना है एक्शन लेना है नहीं लेना है उसके आगे इसके बारे में कुछ और बातें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी करेगी क्या देखिए जब भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बैठ के बातचीत करेगी तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपने बातचीत ध्यान रखेगी कि भाई पंचायत और म्यूनिस्पैलिटीज दोनों को ग्रो करना है तो पंचायत और म्युनिसपालिटीज के बीच में प्लानिंग को लेकर जो भी वहां के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी हो गई हरियाली हो गए फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए इनका इक्विटेबल शेयरिंग उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना पे आप ध्यान सके। कि इन्वायरमेंटलेशन पर इंटीग्रेटेड और इनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए यह काम करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पंचायत दोनों को ध्यान में रखते हुए ओके okay. उसके बाद भाई अपना काम करते वक्त डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को अगर किसी इंस्टीट्यूशन से किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन से बातचीत करनी है गवर्नर ने बोला है कि भाई इस फील्ड में काम कर रहे हो तो इस इंस्टीट्यूशन से पहले कुछ आप सलाह मशुरा कर रहे हो तो वो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं। तो नहीं, बनेगी आ रही है, सब की बात सुनती है। उसके बाद बात करते हैं मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी की मेट्रोपोलिटन हर मेट्रोपोलिटन एरिया में एक मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी होगी जो कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी अब भाई मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड भी जो प्रोविजन है वो कौन बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा तो भाई मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटन में क्या कंपोजिशन होगा कौन मेंबर्स होंगे जो भी मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा फिर मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के और और ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स को कितनी मेंबरशिप देना है ये डिसाइड करना भी किसका काम है तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है उसके बाद मेट्रोपोलिटन एरिया के प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्या क्या काम करेगी मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी ये डिसाइड करना कि इसका काम है तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है मेट्रोप्लान प्लानिंग कमिटीज के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा ये भी कौन डिसाइड करेगा तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी उसके बाद सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन क्या बोलता है कि टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्लानिंग में शुड बी अलेक्टेड बाई अलेक्टेड मेंसन पंचायत इन मेट्रोपोलिटन एरिया होगा कोई नाट्रोपोलिटन कोई सिटी के अंदर जितनी भी जिले लेवल की पंचायत है या जितने भी म्युनसिपैलिटीज है उनके इलेक्टेड में इलेक्टेड मेंबर्स प्लस पंचायत के चेयरपर्सन तो मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी के थर्ड का इलेक्शन कौन करेगा इलेक्टेड मेंबर्स के इलाके में आते हैं और वो पंचायत मेंसन मिलकर आपस में इलेक्शन करके दो तिहाई करेंगे किसके? के और एक मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी में कितनी सीटें म्युनसिपैलिटी को दी जाएंगी कितनी सीटें पंचायत को दी जाएंगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई उस म्यूनिसपालिटी की पॉपुलेशन कितनी है अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और उस पंचायत की पॉपुलेशन कितनी है यानी कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है और जब भी ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी प्लान्स को कंसोलिडेट करेगी डेवलपमेंटल प्लान्स को तो वहां पे इस बात का ध्यान रखेगी कि भाई म्युनिसपालिटी और पंचायत ने जो जो भी प्लान दिए थे उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उसको ध्यान में रखा जाए म्युनसिपैलिटी और पंचायत के कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों के बीच में वो प्रॉपर तरीके से हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य की सरकार ने जो भी इस इलाके के डेवलपमेंटल प्रायोरिटी सेटअप की है उसके हिसाब से काम हो उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी उससे क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कितना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इन सब चीजों के बारे में भी राय देगी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी जब भी अपना काम करेगा तो उन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करके करेगा जो कि इस पूरे कंटेक्स में रेलिवेंट है या फिर गवर्नर सीधे सीधे मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी से बोलता है कि आप कुछ भी काम करते वक्त इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बात करें इन्वायरमेंटल फील्ड में या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में तो वो मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी ऐसा करेगी फिर बात करते हैं कॉन्टीन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसपैलिटीज देखिए भाई जब ये सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू आया था तो ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले कोई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी थी ही नहीं या कोई म्यूनिपाली थी ही नहीं उससे पहले भी पहले जो म्यूनसिपैलिटी है एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट लेकिन जब ये चौहत्तरवा अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा ओके okay, उससे पहले जो भी वो अगले एक साल तक काम करती रहेंगी ओके okay.

ये अलग बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिजॉल्व करके चौहत्तर संशोधन कर तो लागू, लागू करना था लेकिन उसके अंदर नई म्यूनिसपैलिटीज को चुनना या फिर पुरानी म्यूनिस्पैलिटीज के बचे हुए टर्म तक उनका टर्म चलने देना और उसके बाद चुनना ये स्टेट लेजि डिपेंडेंट था यानी स्टेट लेजिस्लेचर को ये सुविधा दी गई पिछली बार की पहले की जो म्यूनिस्पालिटी बनी हुई है उनका जब पांच साल का टेंडर खत्म हो जाए तो टेंडर खत्म होने के बाद नए इलेक्शन के हिसाब से करवा देना या फिर पुरानी अगर आप डिजोल्व कर देते हो तो उसके बाद आप नए चौहत्तरवे संविधान की परिपाटी दी थी उसके हिसाब से आप करवाओगे जो भी संविधान का बेस था उसके हिसाब से आप करवाओगे तो एक साल के अंदर सेवेंटी अमेंडमेंट एक्ट वाले सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है और सिस्टम के हिसाब से आगे की म्यूनसिपैलिटीज को आपको चुनना है नेक्स्ट है बार टू इंटरफेरेंस बाई कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स देखिए इन म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी इलेक्टोरल मैटर है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी तो भैया म्यूनसिपैलिटी का इलाका कितना है उसका डीलिमिटेशन डीलिमिटेशन मतलब इतना इलाका इस म्यूनसिपल वार्ड का इतना इलाका इस म्यूनसिपल वार्ड का उस म्यूनिसपल वार्ड में कितनी सीटें एलोकेट करनी है एक एलोकेट करनी है दो एलोकेट करनी है ये सब डिसाइड करने की ताकत किसके पास है स्टेट लेजिलेचर के पास है और कल की डेट में अगर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा वो डिस्प्यूट एक ने तो, के, के तो किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते court के पास तब जा सकते हो जब स्टेट लेजिस्लेचर ने खुद ही नियम कानून निकाल के बोल दिया कि ठीक है भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई अलग से अथॉरिटी बना रखी और ये बोला है कि भाई म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप इन अथॉरिटीज के पास जाओगे तो जिन अथॉरिटीज को पॉइंट आउट किया स्टेट लेजिस्लेचर ने आप उसी अथॉरिटी के पास जा सकते हो यानी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में नियम कानून बनाने की पूरी तरीके से ताकत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की पूरी तरीके से ताकत स्टेट लेजिस्लेचर के पास है आप देख लेते हैं बारहवें शेड्यूल में कौन से अट्ठारह फंक्शनल आइटम्स हैं जो कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हैं तो एक है अर्बन प्लानिंग इंक्लूंग टाउन प्लानिंग एक है रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स We are planning for economic and social development, roads and bridges, water supply for domestic, industrial and commercial purposes, public health, sanitation, conservancy, and solid waste management, fire services, urban forestry, protection of environment and promotion of ecological aspects, safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded, slum improvement and upgradation, urban poverty, alleviation, provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playground, promotion of cultural education, aesthetic aspects, burials and burial grounds. कैटल कैटलॉन्ड प्रवेशन ऑफ क्लोरिटी टू एनिमल्स वाइटर स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ पब्लिक इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग पार्किंग लॉट स्टॉप, पब्लिक कन्वीन रेगुलेशन ऑफ वॉटर हाइजेस एंड टेनरीज ये सब आ जाती है आपकी म्यूनसिपैलिटी के अंदर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार की अर्बन गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में तो अगली वीडियो में और उसके बाद की वीडियो में जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट मूनिसपाली वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद तो हम लोग चलेंगे यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स आई होप आपको सीखने को मिला होगा हैव अ ग्रेट डे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा गुड बाय